क्या वो खैरियत है? खैर कहाँ है, वो जिस बैंक्वेट में हमने रखी थी अपनी बेटी की बारात, वहाँ आग लग गई है। क्या? जी हाँ। कैसे? यार पता नहीं, रात को कोई फंक्शन था उनके यहाँ, उन्होंने फायरवर्क्स किया था, उससे उनके पर्दों में आग लगी पहले, फिर सारे फर्नीचर में फैल गई, सब जल गया, काफी नुकसान हुआ। उनका इकबाल भाई का फोन आया था, वो बता रहे थे। फिर अब हमारा फंक्शन कैसे होगा? पता नहीं, कोई ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है, घर पे कर लें। घर पे? हाँ ना, हमने कौन से ज्यादा मेहमान बुलाए हुए, कुछ करके किसी तरह। हाँ थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन एडजस्ट कर लेंगे, क्या कहती हो? तो बस एक काम करो, एक मैसेज बनाओ व्हाट्सएप पे, जिसमें एड्रेस मेंशन करो, पिन लोकेशन मेंशन करो, भेजो सबको। और सुनो, मुगीश को भी कॉल करो और उससे कहना कि बारात अब वहां नहीं जानी बल्कि घर पे ही आनी है, याद से, ठीक है? मैनेज कर लोगे ये सब? हाँ हाँ कर लूंगा मैनेज, बेटी का मामला है, बेटी के लिए तो मैं कुछ भी कर लूंगा। मुगीस, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? सारे मेहमान आ चुके हैं, हमें ऑलरेडी बारात के लिए देर हो रही है। मुझे बारात नहीं लेके जानी, आप उनको फोन करके मना करते। शुक्र है कि तुम्हारा कमरा ऊपर है, वरना सारे मेहमान तुम्हारी ये बकवास सुन लेते। हाँ तो सुन ले सब, मेरी बला से मैं डरता हूं क्या उनसे? मुझे मुनज्जा से शादी नहीं करनी, ये आप सुन लें। क्या करूं, क्या करूं? मैं उन्हें फोन करके ये बोलूं कि मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता? मेरी भी एक बेटी है। सोचो, अलीना की बारात वाले दिन उसके ससुराल में से अगर ये फोन आए कि हम बारात लेकर नहीं आ रहे, तो तुम पर और मुझ पर क्या गुजरेगी? अलीना जीते जी मर जाएगी। अम्मी किसको समझा रही हैं आप? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बेहोश हो चुके हैं। मैं अभी जाके शबाना आंटी को फोन करके कहती हूँ कि भाई नहीं आ रहे, हम लोग नहीं आ रहे। रुको अलीना, ठीक है मैं चलता हूँ साथ। लेकिन इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। क्या करोगे तुम? कुछ नहीं, ये ताल्लुक दिलों के जुड़ने से मिलते हैं, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया है। बेटा तुम क्यों नहीं समझते कि तुम्हारा ये जोड़ आसमानों पे बना है? जब ये जोड़ यहां बन गया है तो दिल भी जुड़ जाएंगे। अम्मी ये सब बातें बाद में भी हो जाएंगी, छोड़ दें ये सब, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। और प्लीज खुदा के लिए भाई, अपने चेहरे पे से ये बेजारी वाले तासुरात उतार के फेंक दें मेरे लिए। चलें आप।
हानिया बारात नहीं आई अभी तक। आ जाएगी, क्या हो गया? मुझे लग रहा है वो लोग नहीं आएंगे। नज़ा, मेरी बात और थी, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होगा? आज तुम्हारी शादी है, अच्छा अच्छा सोचो, फजूल बातें क्यों सोच रही हो? तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? बारात आने वाली होगी, जाओ इस्तकबाल की तैयारी करो। हाँ, मैं भी फाकिया से यही कह रही थी, तुम भी हमारे साथ चलो ना। फिर ख्याल से हमें चलना चाहिए, वरना अम्मी गुस्सा करेंगी। बिल्कुल, तुम लोग जाओ, जैसी बारात आने वाली होगी मुझे मैसेज कर देना, मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन तुम जल्दी आ जाओ। मैं आ जाऊंगी जल्दी। बात सुनो, मैंने आजकल नोटिस किया है तुम बहुत ज्यादा संजीदा हो गई हो, क्या हो गया तुम्हें? हानिया, मुगीस के रवैये ने मुझे ऐसा कर दिया है। उसकी ला ताल्लुकी ने मेरे अंदर की हर खुशी खत्म कर दी है। ऐसा हर कोई इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता। हानिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ। जिस इंसान को मुझ में दिलचस्पी नहीं, मैं उसके साथ किस तरह खुश रह सकती हूँ? नज़ा, अगर तुमने अब कोई उल्टी सीधी बात की है ना, तो मैं सच में तुम्हारी पिटाई लगाऊंगी। तो क्या सोच रही हो? अच्छा, आई एम सॉरी, अपने साथ साथ मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया है। मेरी इतनी प्यारी सी बहन, तुम्हारे लिए क्या मैं परेशान भी नहीं हो सकती? आवाज आ रही है, आ गई बारात। तुम खामखा परेशान हो रही थी, मैं जाके देख के आती हूँ, और मुस्कुराती रहना। कितनी प्यारी लग रही है मुनज़्ज़ा। एलिना बेटा, मुनज़्ज़ा अब तुम्हारी भाभी है, इसका नाम नहीं लेना, भाभी कहो। अच्छा चले, ठीक है भाई, जल्दी से करीब हो जाए, मैं एक जल्दी से पिक्चर लूंगी। मुझे इन छिछोरी चीजों का कोई शौक नहीं है। मैंने ऐसा क्या कह दिया है? फरहान, तुम आ गए? तुमने बुलाया और मैं ना हूं, ऐसा हो सकता है क्या? मुझे लग रहा था कि तुम नहीं आओगे। अच्छा, अब तो मैं आ गया ना। अच्छा फाकिया, मुझे बताओ कि तुम मुझे अंदर सबसे कैसे इंट्रोड्यूस कराओगी? यही कहूंगी कि तुम मेरी क्लास पे लो। और बाकी के क्लास फेलोज कहाँ हैं तुम्हारे? उनको इनवाइट नहीं किया तुमने? हनिया प्लीज, माइंड योर ओन बिजनेस, फजूल में मेरे मामलों में मत घुसो। बड़ी बहन हूं तुम्हारी। होगी बड़ी बहन। आप हनिया है राइट? जी, और आप? मेरा नाम फारहान है, मैं फाकिया का क्लासमेट हूँ। मॉम, क्या हुआ फारहान? मॉम, मुझे वो अपना कार्ड देना, मुझे बहुत जरूरी शॉपिंग करने जाना है। तुम्हारा अपना कार्ड कहाँ है? उसकी इतनी कम लिमिट है, इतनी मशहूर डिजाइनर का गलौता बेटा, और कार्ड पे पैसों की इतनी कम लिमिट। हानिया, क्यों खड़ी हुई हो तुम यहाँ पे? जाओ यहाँ से, ऊपर जाओ, काम करो अपना। और प्लीज अंदर जाके फरहान के बारे में कोई बात मत करना, समझ आई?
जाओ। पता नहीं अम्मी इसे कहां से उठा के लेकर आई हैं। बड़ी बहन बनकर सबके सर पे नाज़ रहती है। एक मिनट, फाकिया इसका मतलब ये तुम्हारी सगी बहन नहीं है? नहीं, इसे हॉस्पिटल से उठा के लेकर आ गई थी इसे अम्मी। इसकी मॉम ने तो उसे छोड़ दिया वहां पे जब ये दो दिन की थी, इसलिए तो बाबा इतना खफा रहते हैं। तभी मैं कहूं। क्या तभी? बहुत खूबसूरत है यार ये। नहीं मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो कि ये खूबसूरत है और मैं नहीं हूँ? अरे नहीं फाकिया, अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। तुम भी बहुत खूबसूरत हो, देखो कितनी अच्छी लग रही हो तुम आज। तुम यहीं पे खड़े रहो, ऊपर निकाह हो रहा होगा, मैं जा रही हूँ। अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं इतनी देर यहाँ पे खड़ा रहूं अकेले? तुमने इतना फारिग समझा है मुझे? अच्छा तो तुम भी चल लो। अच्छा चलो। बेटा खाने की क्या पोजीशन है? आप जैसे कहें खुलवा दो। हाँ मेरे ख्याल है खुलवा दो, बहुत देर हो गई। ओके है ना। हानिया तुम यहां अकेले क्यों खड़ी हो? निकाह के वक्त स्टेज पे भी नहीं गई? मैं अपना मनहूस आया मुनज़्ज़ा पे नहीं पढ़ने देना चाहती। ये क्या कह रही हो तुम? ये फजूल बात सुनने के बाद मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें जैसे नीचे फेंक दूं उठा के। है तुम में इतनी हिम्मत? तुम्हारी इस बात है ना मेरा बहुत दिल दुखा है। गलत तो नहीं कह रही ना? हाँ तुम तो हमेशा सही कहती हो। तो क्यों कर रहे हो मुझसे बहस? पता जब नजर मुगीस का निकाह हो रहा था तो मैं क्या सोच रहा था कि एक दिन इसी तरह मेरा और तुम्हारा भी निकाह होगा। तुम दुल्हन बन के मेरे पहलू में बैठी होगी और मौलवी साहब निकाह पढ़ा रहे होंगे। तुम देखते रहो ख्वाब, जा रही हूं मैं। एक दिन ये ख्वाब जरूर सच होगा, याद रखना।
बस मेरे बेटे, बस प्यार, बस प्यारी। नहीं, हनी नहीं आई। यही तो थी? हनी? हानिया? आओ बेटे, बहन बुला रही है। बेटा मुनज़्ज़ा, तुम कोई दूर थोड़ी जा रही हो, सामने वाले घर तो जा रही हो। तो और क्या, जब चाहोगी सब हाजिर। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें इस रूप में अपने घर में देखकर। तुम इतनी संजीदा क्यों हो? कंफर्टेबल रहो, ये तुम्हारा ही घर है, ऐसे ही समझो। अलीना, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ हाँ पूछो। ये मुगीस इस शादी के लिए जबरदस्ती राजी हुआ है क्या? क्या फजूल बात है ये, ऐसा क्यों सोचा तुमने? मुझे शुरू से यही महसूस हो रहा है। नहीं यार, तुम्हें भाई इतने सीधे लगते हैं क्या कि हम उनके मर्जी के खिलाफ जाके उनकी शादी कर देंगे? हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उसका रवैया मुझसे बहुत अजनबी सा है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ महसूस हो रहा है। जब साथ रहने लगोगे ना तो सब अच्छा लगने लगेगा। अच्छा चलो छोड़ो ना ये सब, ये बताओ तुम्हें भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? नहीं, मुझे बिल्कुल मूड नहीं है। चलो ठीक है, फिर तुम रेस्ट करो, भाई बस अभी आते होंगे। मुगीस बेटा, अब नॉर्मल हो जाओ। देखो एक लड़की तुम्हारे नाम के साथ मंसूब होकर तुम्हारे साथ आ गई है, अब उसे मोहब्बत देना और उसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। अम्मी मेरी बात सुने, मुझे ना फराइज के दर्ज मत दें। ये शादी मैंने आपकी वजह से की है, अब कर ली ना मैंने शादी, अब इससे ज्यादा मुझसे कोई तवक्को मत रखें आप। निकाह का मतलब समझते हो तुम? अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर दो लोग एक दूसरे को कबूल करते हैं। जी अम्मी, समझता हूं। तो फिर तुम ये क्या कर रहे हो? उसने महसूस कर लिया है। क्या महसूस कर लिया उसने? यही कि आपकी शादी आपके मर्जी के खिलाफ जाकर हुई है। चलो शुक्र है, खुद ही पता चल गया उसको। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? खबरदार जो तुमने कोई भी फालतू बात की हो उससे। अरे अम्मी मैंने क्या बोला है? ये तो अलीना अभी बोल रही हैं कि इनको समझ आ गया कि वो क्या फील कर रही हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। और तुम जो सारा वक्त अपने एक अजीब सा मुंह बना के बैठे हुए थे, उसको तो क्या सारे लोगों को महसूस हो गया होगा कि तुम क्या फील कर रहे हो? भाई खुदा के लिए, खुदा के लिए सब कुछ भूल जाएं। कल आप क्या महसूस करते थे, आप क्या थे, सब भूल जाएं। आज आपकी जिंदगी में कौन है, सिर्फ ये सोचे ना। मैं तो खुद इसे ये समझा समझा के थक गई हूं। जाएं ऊपर, वो आपके मुंतजर है, प्लीज। अब तुम उससे कोई भी फालतू और बेकार बात मत करना। अच्छा बस, जा रहा हूं मैं कमरे में। और मुझे ये ना ये नसीहतें देना बंद करें आप लोग। जी
सोई नहीं अम्मी आप? नहीं, तुम्हारे पास बैठूंगी थोड़ी देर। अच्छा एक मिनट, मैं आपके लिए चाय बना के लाऊंगी। स्वानु भाभी की बातों से हर्ट हुई तो? नहीं, अब मैं आदी हो गई हूं। अजीब सी बात है, अब तो दुख भी नहीं होता मुझे। पता नहीं क्यों हम अपने रवैयों से लोगों को जख्मी करते रहते हैं, कि दिलों पे मरहम क्यों नहीं रखते। क्योंकि हर कोई मेरी अम्मी जैसा नहीं होता। अम्मी क्या हुआ है, परेशान है? सो देख रही थी मैं आपको, आपके चेहरे पे परेशानी थी, सब ठीक है? नसा की तरफ से परेशान हो बेटे। नजा की तरफ से क्यों? ऐसे उस तो मुझे पहले भी हुआ था, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि मुगीज़ इस शादी से खुश नहीं। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, आपका वहम है बस। वहम नहीं है मेरा। अम्मी उसके लिए दुआ करें, वो एक बहुत अच्छी फैमिली में ब्याह के जा रही है। जब उसका साथी खुश नहीं है, अच्छी फैमिली से क्या होगा बेटे? गलती तो नहीं करती मैंने, यही बेचारी मेरा इंतजार कर रही। अरे अरे अरे, कोई कोई बात नहीं, लेटी रहो लेटी रहो, बल्कि काम करो ना, कपड़े चेंज कर लो, इजी हो जाओगी, है ना? सॉरी, नींद आ गई थी। नींद तो नींद ही होती है, फिर से आ जाएगी। इसमें इतनी शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? ऐसे मैं सोच रहा था, ये शादी के कपड़े पहली दफा पता नहीं किसने बनाए होंगे। अल्लाह की कसम किसी हसीयत से कम नहीं है ये। तुम्हें उलझन नहीं हो रही? ये ऐसे घटिया और गंदे रंगीले कपड़े पहन के? हाँ हो रही है उलझन। तो फिर जाओ ना, चेंज करो। बैठी हुई क्यों, आवाज नहीं आ रही मेरी? ओहो, आराम से चलना नहीं आता क्या तुम्हें? पांव उलझ गया था मेरा। पैर लग, बहुत ही फजूल कपड़े होते हैं दुल्हनों के। एक तो इतना सारा कपड़ा जाया होता है, ऊपर से संभालना आजाद। पुराने जमाने की खवातीन रोजमर्रा के इस्तेमाल में ऐसे ही कपड़े पहना करती थी। पागल थी वो सारी। तुम भी पागल हो? हाँ,
तो ऐसे करते हैं अपनी नई दुल्हन का इस्तकबाल। तुमने पहली ही रात जाहिर कर दिया कि तुम्हें मुझमें कितनी दिलचस्पी है। अब तो अम्मी ने भी मुगीस की बेजारी महसूस कर ली है। क्या होगा? और मुनस्सा, तानी मुगीस ने उसके साथ क्या सुलूक किया होगा? इतना नासमझ तो नहीं है वो कि मुनस्सा को अपने अंदर की तलखी बताकर अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल ले। मुनस्सा बहुत अच्छी लड़की है, उसका साथ मुगीस को उसकी जाने मुड़ने पर मजबूर कर देगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बहुत रात हो गई है हमजा, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। नींद ही तो नहीं आती, लेकिन बस अब बहुत हो चुका। तुम्हारे रोकने पर अब मैं और बुत बन के नहीं रह सकता। आज मैंने शादी में सब कुछ देख लिया, अम्मी का रवैया, तुम्हारा इस तरह दूर दूर रहना, तुम्हारे चेहरे की अफसरदगी, मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या करोगे अब तुम बताओ मुझे? मैं कल अम्मी को लेके तुम्हारे घर आ रहा हूं। हमजा, अब तुम मुझे नहीं रोकोगी, और अगर तुम रोकोगी भी तो भी मैं नहीं रोकूंगा। खुदा के लिए हमजा, तुम मेरी जिंदगी मजीद मुश्किल मत करो। हानिया, अभी कुछ मुश्किलें हैं, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। हम कब तक दूसरों के लिए एक दूसरे से दूर रहेंगे? हमजा, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। रहम तुम मुझ पर करो जालिम लड़की तुम, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। फैसला हो चुका है, बस अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुम रो रही हो क्या? नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? सॉरी, मैं कल तुम्हें मुंह दिखाई भी नहीं दी। मुंह दिखाई से ज्यादा अहमियत रवैये की होती है। हाँ, बहुत थका हुआ था, कपड़े भी नहीं बदले और सो गया। सफाई मत दो, सफाई देने से बात और भी हल्की हो जाती है। नहीं, मैं क्यों सफाई दूंगा तुम्हें? मैं जवाब दूं तुम्हें? नहीं, तुम जवाब दे क्यों होगे? तुमने क्या किया? नहीं, काम करो ना, तुम जाओ अम्मी को, अरीना को, अपने घर वालों को, सबको जाके बता दो कि ये शादी मुझे नहीं करनी थी। तुम जबरदस्ती घुसी हो मेरी जिंदगी में। अच्छा, इतने मजबूर तो नहीं लगते तुम? तुम तो लड़के हो, तुमने अपनी जिंदगी में किसी लड़की को जबरदस्ती आने ही क्यों दिया? कितने बेबस हो, कितने बेइख्तियार हो ना तुम। बहुत बुरा किया तुमने मुगीस, मेरे साथ भी और अपने साथ भी। सॉरी।
अरे बेटा तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? आंटी मैं तो सोई नहीं हूं रात भर। क्यों बेटा, क्या हुआ? आंटी जब आप लोगों को पता था कि मुगीस ये शादी नहीं करना चाहता तो आप लोगों ने जबरदस्ती क्यों की उसके साथ? उसने तुमसे कुछ कहा है? कहने की क्या जरूरत है आंटी, उसका रवैया, सुलूक, लहजा और अल्फाज सभी बता रहे हैं। बहुत ही ना समझ है, इतना समझाया था उसे। आंटी आप लोगों ने समझा बुझाकर उसको इस रिश्ते के लिए राजी तो कर लिया, पर आपको क्या लगता है क्या वो ये रिश्ता निभा भी पाएगा? हाँ बेटा क्यों नहीं निभाएगा, ये सिर्फ वक्ती जज्बातीपन है उसका। तुम्हारा हसीन खूबसूरत साथ उसको तुम्हारी तरफ मोड़ देगा बेटा। और तब तक क्या मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का खून करती रहूंगी? हरगिज नहीं बेटा, तुम मुझे बिल्कुल अलीना की तरह अजीज हो। नहीं आंटी, अगर मैं आपको अलीना की तरह अजीज होती ना तो आप ये रिश्ता कभी ना होने देती। बेटा मुनज़्ज़ा प्लीज तुम इस रिश्ते को थोड़ा सा वक्त दो। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने घर वालों को इस बारे में अभी कुछ नहीं बताना। ये सब ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अच्छा आओ नाश्ता करते, आ जाओ। शिजा शिजा आ जाओ यार, देर हो रही है। शिजा आ जाओ, बाजार से सामान भी लेना है अभी। तुम क्यों लोगे सामान, तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं है? क्या हो गया अम्मी? मैंने चची जान से खुद कहा था, क्या मैं मुनज़्ज़ा का भाई नहीं हूं? अच्छी तरह मालूम है मुझे क्यों भाग भाग कर जाते हो। इसी बात का तो इंतजाम कर रहा हूं कि बार बार मुझे वहां भाग के ना जाना पड़े। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी आज शाम हम सब चचा जान के यहां जा रहे हैं हानिया का हाथ मांगने। मेरे लिए मैंने हुमायूं से भी कह दिया वो वहीं पहुंच जाएगा। बस ठीक है, तो नहीं ले जाना, मैं तो नहीं जाऊंगी। आप चलेंगी? ऐसा कैसे हो सकता है, आपके इकलौते बेटे की शादी और आप ही ना शरीक हो उसमें। क्यों शिजा? जी भाई, मैं तुम लोगों को कई बार कह चुकी हूं कि मैं उस लड़की को कतई भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी, फिर भी बार बार एक ही बात पता नहीं क्यों दोहराते हो, समझ नहीं आती तुम लोगों को। प्लीज अम्मी जिद छोड़ दें और मान जाएं। जिस बात की आप हानिया को सजा दे रही हैं इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है। नफरत है मुझे उससे। नफरत? कोई किसी से कैसे नफरत कर सकता है अम्मी, वो भी आप ही की तरह गोश्त पोस्ट की बनी हुई लड़की है, उसके भी सीने में आप ही की तरह दिल धड़कता है। वो अपनी मर्जी से तो इस दुनिया में नहीं आई। बस कर दो, तुम्हारा भाई क्या कम था कि अब तुम भी बातें सुनाओगी मुझे। अम्मी आप हानिया से नफरत करती हो या मोहब्बत, मैं तो उसी से शादी कर रहा हूं। और आज शाम को चचा जान के यहां हम यही बात करने जा रहे हैं। ये मेरा आखिरी फैसला है, आप ये अच्छी तरह से सुन लें। और अगर आप इसी तरह बजिद रही ना तो कसम खा रहा मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तरसती रहिएगा अपने बेटे की शादी कराने के लिए। ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? नहीं, सिर्फ बता रहा हूं, शाम तक का वक्त है आपके पास सोचने के लिए। चलो शिजा। हाँ जी, लगाते शिकायतें अम्मी को, खुश हो गई तुम? मैं कोई पुरानी फिल्म की हीरोइन नहीं हूं कि अपने साथ होती ज्यादती पर खामोश रहूं। हैं? मैं जुल्म कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर? वाह, तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं है। मुनज़्ज़ा मुझे एक बात बताओ,
अगर मैं झूठ बोलता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? नहीं, मुझे अच्छा तब लगता जब तुम हिम्मत करते और सब कुछ सच बताते और ये भी बताते कि वजह क्या है तुम्हारी शादी ना करने की। अरे कोई वजह नहीं है मेरे पास, मैं अभी शादी ही नहीं करना चाहता था। तो अम्मी ने जबरदस्ती शादी करवाई मेरी तुम्हारे साथ। झूठ मत बोलो मुगीस, वजह है और मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। वजह मैं बता चुका हूँ मैडम आपको, अभी घर वाले आ रहे हैं तुम्हारे, खुदा का वास्ता उनके सामने ओवर एक्टिंग मत करना, नॉर्मल रहो। अब इतनी हिम्मत है मुझ में कि उनको बता सकूं कि मैं अब वहीं रहूंगी और यहां वापस नहीं आऊंगी। मेरा ये दिल माने ना माने ना, करे हर पल हसीन सिर्फ ग्रीन।